आप थोड़ा धैर्य बनाए रखे, हमारे नेतागण हमारे बीच पहुंच रहे हैं, आपके दो बात करना चाहूंगा। अभी भी यहाँ पर कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी का हेलीकॉप्टर आ गया है यहाँ पर। आजी बकुल जी मलेरिया साहब, हमारे लोकप्रिय विधायक सरदार हुसैन, बड़े भाई अनिल शर्मा जी, हमारे हेलीकॉप्टर आ गए प्रियंका गांधी का, जो आज चुरू में प्रियंका गांधी की एक महाविशाल चुनावी रैली का। दोस्तों, आज आपने बहुत इंतजार किया है, ये इस बात का सबूत है कि इस चुरू के आवाम के दिल में कांग्रेस बसती है। आप लोग जो अभीक मंडेलिया से मोहब्बत करते हैं, जो कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं, वो 5 घंटे से यहाँ पे जमे हुए हैं, ये इस बात का सबूत है कि इस बार चुरू की जनता कांग्रेस को विजय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, आपको एक बात कहना चाहूंगा, 4 साल पहले बड़े भाई रफीक जी मलेरिया के आशीर्वाद से मेरी धर्मपत्नी पायल सैनी चुरू में सभापति के पद पर विराजमान हुई। हमने जितने कार्य हमसे हो सकते थे हमने करना चाहा, जनता की बहुत सेवाएं की, और दो बहुत बड़े मुद्दे थे जिससे चुरू की जनता त्रस्त थी, उन दोनों ही समस्याओं को सुलझाने का अभी भी भरपूर प्रयास चुरू में जो चुनावी महा रैली का प्रोग्राम है उसमें प्रियंका गांधी है वो कांग्रेस के नेता अभी पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही पल में। रफीक जी मंडेलिया के जो समर्थन में एक आज महारैली का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में प्रियंका गांधी है वो अभी पहुंचने वाले हैं। दूसरी समस्या पार्टी के पास की समस्या थी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने जनता की पीड़ा को समझा और 23 करोड़ कांग्रेस के झंडे पर आकर नारे लगा रही है रफीक मंडेलिया का कांग्रेस पार्टी का। ये इस बात का परिचायक है, काफी संख्या में महिलाएं भी चुरू के दो क्षेत्र के बाहर से गांव गांव से आई हुई है। रफीक जी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप सब परिचित है गणेश मान के स्वरूप। आज कुछ क्या हुआ कि जो प्रियंका गांधी ने आने में कुछ वेट हो गई, टाइम लेट हो गया, और इसके वजह से जो कांग्रेस की एक महासभा है उस सभा में काफी संख्या में एक इंतजार टकटकी लगाए हुए थी चुरू की पब्लिक। हमारे नेताओं का स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें, काफी संख्या में सोनिया गांधी श्रीमान अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट। तो आप सब लोगों ने बहुत ही काफी समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दीदार के लिए उनका इंतजार किया है, एक प्रियंका गांधी को देखने के लिए इंतजार में लुटे हुए थे, अभी कुछ परिवार यहाँ पर और कांग्रेस पार्टी पद पर पधारे सभी जिले की बात सुनने के बाद यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों ने सुबह से लेकर अभी तक अपना जो केंद्रीय मूल्य समय निकाला उसके लिए चुरू जिला कांग्रेस जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनके साथ जितेंद्र जी भारद्वाज कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन करें। स्वागत नेता है वो पहुंच चुके हैं पंडाल के अंदर। हेलो, हमारे बीच मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 5 मिनट आराम से बैठे, और जितेंद्र जी भारद्वाज साहब है वो प्रियंका जी का वॉइस मैसेज आपको सुना रहे हैं, कृपया आराम से बैठे।
प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज मुझे आपके पास आना था, जयपुर तक मैं आ गई, लेकिन यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गया, इसलिए मैं आ नहीं पाई आपके पास। मेरी तरफ से बहुत बहुत इसके लिए खेद और मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं पहुँच नहीं पाई। बहुत चीजें आपसे कहनी थी जो अब मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो रफीक मंडेलिया जी हैं वो हमारे खास और मजबूत नेता हैं। उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, जब कोरोना आया उस समय भी आपके साथ खड़े रहे, जितनी उनकी क्षमता थी उतना करने की उन्होंने कोशिश की, और उसके अलावा जब जब आपकी समस्याएं उठी या आपको कोई संकट महसूस हुआ तो वो हमेशा आपके लिए हाजिर रहे और आपकी मदद उन्होंने की। अब चुनाव आ गया है, चुनाव के समय आप सब जानते हैं कि सोचने का समय होता है कि आगे 5 साल हेलीकॉप्टर में गड़बड़ होने की वजह से प्रियंका गांधी है वो इस सभा में नहीं पहुंच सकती। वो दिल से आपको चाहते हैं, दिल से आपकी समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं, और अगर आप 5 साल का मौका देंगे तो जरूर जी जान एक करके आपके लिए काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार और माफी चाहती हूँ कि मैं आ नहीं पाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। 2 मिनट बैठे हमारे बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भाई भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर भाई कुलदीप जी शर्मा भी मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आकर यहाँ अपना उद्बोधन देकर या सुबह से इंतजार करे, कांग्रेस दलों का माता और बहनों का उद्बोधन देकर उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप जी शर्मा, हमारे बीच हरियाणा का भविष्य पूर्व मुख्यमंत्री और आने वाले मुख्यमंत्री माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यहाँ से उम्मीदवार श्री रफीक मंडेलिया जी, हरियाणा से आए हुए पूर्व मंत्री श्री कर्ण सिंह दलाल जी, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष श्री जितेंद्र भारद्वाज जी, अनिल शर्मा जी, तुषाराम गोदारा जी, श्रीमती सुचित्रा आर्या जी, रेहाना जी, हर मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी सम्मानित नेतागण और इस सभा में उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जन, आज श्रीमती प्रियंका गांधी को आपके बीच में इस जनसभा को संबोधित करने के लिए आना, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर की खराबी की वजह से वो आपके बीच में नहीं पहुंची। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने किसानों की आवाज बनकर हरियाणा में देश में किसानों का नेतृत्व किया है, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को श्रीमती प्रियंका गांधी के संदेश के साथ आपके बीच में भेजा है। माननीय मित्रों, आज के इस चुनौतीपूर्ण दौर में आपने राजस्थान के भाग्य के निर्माण के लिए अपना अभूतपूर्व मतदान करना है। मित्रों, आपने गंभीरता से सोचना है कि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार का संचालन हुआ, हमारे जनमानस के जनभलाई के कार्यों को अंजाम दिया गया। शुरू में कांग्रेस पार्टी की एक महाआम रैली में जो प्रियंका गांधी आने वाली थी, तो हेलीकॉप्टर में कोई तकनीक में खराबी होने की वजह से वो प्रियंका गांधी नहीं पहुंच सकी। कांग्रेस का बटन दबाकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कुलदीप जी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा। मैं आमंत्रित करूंगा शेरे हरियाणा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के किरदार किसान नेता
स्वर्गीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा साहब को की वाय और आकर आप लोगों से रूबरू। भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र जी हुड्डा। यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप साहब, हमारे साथ आए कुलदीप शर्मा जी, पूर्व स्पीकर विधानसभा चौधरी करण सिंह जी और हरियाणा के कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र जी और चित्रा आर्य जी, बहुत सारे साथी बैठे हैं, सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, देखिए जैसा बताया गया आज यहाँ प्रियंका गांधी जी को आना था और हेलीकॉप्टर से भी आज की तो उन्होंने मेरी जिम्मेवारी लगाई, संदेश उनका सुन लिया आपने, लेकिन एक बात कहकर जा रहा हूँ, यहाँ से हमारी पार्टी को जिता के भेजो तो उसके बाद भी यहाँ आपके यहाँ धन्यवाद करने आएंगी चुनाव के बाद, आज मजबूरी हो गई उनकी। देखिए मैं आया हूँ हरियाणा से, हरियाणा और राजस्थान का रोटी बेटी का रिश्ता है और तीन चीज है हरियाणा और राजस्थान में, क्या है? किसान, जवान और पहलवान, इनका प्रदेश हमारा तीन का। लेकिन आज जब से बीजेपी की सरकार आई है किसान का क्या हाल हुआ है? इनका वायदा था दोगुना दुगनी आमदनी करेंगे, आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत दुगनी कर। आज लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहता कि लेट हुए, लंबी चौड़ी बात नहीं, आज किसान के हालात बहुत खराब, वो बर्बादी के कगार पे खड़ा है। इसी प्रकार से जवान की बात, हरियाणा और राजस्थान से बहुत फौज में जाते थे, वो अग्निपथ लाके अग्निवीर लाके क्या किया, प्रियंका गांधी नहीं आने पर पंडाल है वो पूरा का पूरा खाली हो गया, और ना पेंशन होगी ना कुछ होगी, हेलीकॉप्टर में तकनीकी में खराबी होने की वजह से प्रियंका गांधी है वो पहुंच नहीं सकी, इसकी वजह से महिलाएं पूरी की पूरी यहां से भाई साहब ने घर आ जाएगा तो रिश्ता भी मुश्किल हो जाएगा। फिर पहलवान, पहलवान आपने देखा हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से जंतर मंतर में वहां कितनी बेइज्जती की गई, क्या मांग रही थी वो, ये तो कहते हमारे साथ दूर व्यवहार हुआ। तो इस सरकार से बीजेपी की सरकार से कई आप देखिए, और जहां तक खरीद बाजा का सवाल है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम है, गारंटी सब बता दी हुई, उन्होंने बता दी सब बता दी हुई तफसील में जाता, लेकिन एक ही बात कह रहा हूँ, जो गारंटी दी है वो पूरी होंगी, ये हमारा वायदा आपसे, हम जो है आपसे वायदा करते जा रहे हैं और प्रियंका जी की तरफ से वायदा है, पूरी कांग्रेस की तरफ से वायदा है, जो गारंटी हम पूरी करेंगे। देखो जैसे मैंने कहा अपना रोटी बेटी का रिश्ता, भाई मैं खास तौर पे आया हूँ रोहतक से चल के चूरू आपके पास, हमारा एक मामला है रोटी बेटी का रिश्ता है, तो भाई मैं यही आखिर में कहना चाहता हूँ, बात तो बहुत कहनी थी कि भाई मैं आया हूँ, मेरे आए हुए का इज्जत और सम्मान आप रखना, मेरे पास कभी आओगे तो मैं आपको पूरा सम्मान दूँ। हमारे जो यहाँ से उम्मीदवार हैं बहुत ही बेहतर उम्मीदवार है, इनका भविष्य उज्ज्वल है, इनको आप यहाँ से विधायक बना के भेज देना भाई, और फिर आके मैं से बात कर लेना, इनको उचित स्थान हम दिलवाएंगे सरकार में। इन्हीं शब्दों तो चूरू में आज कांग्रेस की महारैली थी, प्रियंका गांधी आने वाली थी तो हेलीकॉप्टर में तकनीकी में कोई खराबी होने के वजह से वो कुछ यहाँ आ नहीं पाई, प्रियंका गांधी चूरू में पहुंच नहीं पाई, इसके विषय में एक जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी यहाँ मौजूद रहे, मुख्यमंत्री हरियाणा, सम्मानित मंच साथियों, बहुत खेद है 5 घंटे से आप काफी संख्या से यहाँ बैठे हो, आपकी तपस्या का जो आपकी इच्छा थी
हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी में खराबी होने के वजह से यहाँ पर प्रियंका गांधी है वो पहुंच नहीं सकी और वो कांग्रेस की रैली है वो एक पब्लिक इंतजार में ही वो आप लोग तन-मन धन से आने वाली 25 तारीख को भाई रफी को यहाँ से भारी मतों से विजय दिलाओ और शानदार कार्यक्रम रखेंगे राहुल जी और प्रियंका जी का हुड्डा जी का सबका और शानदार सब मिलके कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजय बनाए और यहाँ से भाई रफीक के लिए आप लोग दो दिन का समय बचा है जी जान से शानदार तरीके से यहाँ से विजय बनाए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें क्योंकि ये शुरू में कांग्रेस पार्टी की एक हमारे विधानसभा के क्षेत्रवासियों को काफी धन्यवाद देना चाहता हूँ वो मौजूदगी में रही आप सबको प्रियंका गांधी यहाँ इतनी भाई पब्लिक आई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा और हमारे प्रियंका जी का हेलीकॉप्टर खराब होने से आपको इंतजार करना पड़ा आप लोग आए इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय कांग्रेस।